दोस्तों केला जो कि वन ऑफ द हेल्दीस्ट फूड की श्रेणी में आता है, इसलिए कहा जाता है कि केले का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से यह हमारे शरीर के वजन को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम करता है। लेकिन किसी भी चीज़ के खाने का फायदा सही ढंग से शरीर को तभी मिलता है जब हमें उस चीज़ के फायदे और नुकसान का पता होने के साथ साथ हमें उस चीज़ के खाने का सही समय और सही तरीके का पता हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना केला खा सकते हैं, केले खाने का सही समय क्या होता है, केले को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान होते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि केले में क्या क्या पाया जाता है और ये हमें किन किन प्रॉब्लम से बचाता है। दोस्तों केले में आयरन और फोलेट के साथ साथ पोटेशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। केले में मौजूद फोलेट और आयरन मिलकर हेमोग्लोबिन और खून की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आपको एनीमिया होने का खतरा कम हो जाता है। एनीमिया एक दुर्लभ और गंभीर स्थिति है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इस अवस्था में आपका बोन मेरो नए ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं कर पाता है। पोटेशियम शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट है। ये ब्लड प्रेशर को समान रखने में मदद करता है और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। पोटेशियम नसों और मांसपेशियों का काम करने में मदद करता है। सेहतमंद शरीर के लिए पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा 4700 मिलीग्राम होती है। पोटेशियम की कमी के कारण व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, मांसपेशियों की कमजोरी और थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं। साथ ही केले में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी और B6, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, इसके अलावा प्राकृतिक शुगर जैसे सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज पाए जाते हैं। अब बात आती है कि केले खाने के क्या क्या फायदे हैं। केले को सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये शरीर को ऊर्जावान बनाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और खून की कमी, कब्ज, बवासीर, रातों को नींद ना आना, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों में कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे पर फुंसियाँ, कैंसर जैसे रोगों से बचाता है। साथ ही साथ ये हमारे यौन दुर्बलता जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने का काम करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक प्रकार की बीमारी है जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी और नपुंसकता को बताती है। अगर हम आसानी भाषा में समझें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष के लिंग में संभोग के दौरान उत्तेजना नहीं होती या फिर उसे बनाए रखने में परेशानी होती है। यह समस्या युवाओं की तुलना में अधिक उम्र के पुरुषों में होने की संभावना अधिक होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से प्रभावित पुरुषों में यौन इच्छा और इरेक्शन में कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका प्रभाव सेक्स लाइफ पर तो पड़ता है, साथ ही पुरुष भावनात्मक रूप से भी स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं। अब बात आती है कि एक दिन में कितने केले खाने चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक दिन में 3 से 4 केले खाना पर्याप्त है, जबकि बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 केले खाना पर्याप्त है। इससे उन्हें कैलोरी की पर्याप्त मात्रा मिलती है। लेकिन जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है उन्हें रात में कोई भी फल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि केले का भी। डायबिटीज वाले पेशेंट केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दिन भर में कितने केले खाने चाहिए ये उनके ब्लड शुगर पर डिपेंड करता है, इसलिए केले उन्हें डॉक्टर के सलाह अनुसार खाना चाहिए। केले खाने का सही समय, वैसे तो दिन में केला कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन केले को नाश्ते में खाना अधिक फायदेमंद होता है। सुबह केले खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। मेटाबॉलिज्म शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के साथ साथ शरीर के कोशिकाओं यानी सेल्स को एक्टिव रखने के लिए आवश्यक होती है। ये फैट बर्न करने के साथ भोजन से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। केले में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 और फाइबर मौजूद होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे केले में मौजूद पोषक तत्व शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। वजन बढ़ाने के लिए केला बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उन्हें वर्कआउट से 1 घंटा पहले या बाद में केले का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि आपको अच्छे से पके केले को ही खाने हैं। केले को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी ठोस फल का किसी तरल पदार्थ के साथ मिलाकर खाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए केले और दूध का सेवन साथ साथ नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में विषैले तत्वों का प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं और शरीर में कई अंगों की कार्यप्रणाली पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा केला और दूध खाने से शरीर भारी भारी बना रहता है और मस्तिष्क की क्षमता भी इससे प्रभावित होती है। केला और दूध के सेवन का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप उन्हें अलग अलग खाएं और पिएं। इससे शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। फाइनली केले को खाने से पहले कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों किसी भी फल के साथ या उसे खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यह बात केले पर भी लागू होती है। केले खाने के तुरंत बाद या इसके साथ पानी का सेवन गैस, कब्ज, पेट दर्द, एसिडिटी जैसी कई समस्याओं का कारण बनता है। ऐसे में बहुत अधिक प्यास लगने पर भी केले खाने के 1 घंटे बाद ही पानी का सेवन करें।
फाइनली आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।